तो वो घर स्वर्ग हो जाता है। और चतुर हो, कितनी चतुर हो सुनो, दो भाइन का जिक्र सुनो, बेईमानी का इल्जाम सरे, और बड़ा मुकदमी करता था छोटो भैया घर काम करे। दो भाई बड़ो नेता बन के घूमे, छोटो घरे मेहनत करे। छोटा भाई बहुत मेहनती था लोगो, एक दिन और रात कुटी कूटे हल जोते नाया राम करे, और बड़ो जाए पंचायत में बस यो ही बखत तमाम करे। ए पलिंगा पे से हुकुम बजावे ना जमीन पे पाँव धरे, छोटो तल्ली न काम में है फिर भी उलटी फटकार पड़े। दो भाई बड़ो तो नेता बन के घूमे, छोटो घरे मेहनत करे, और नेता जी जब बाहर से घूम के आए तो छोटे भैया ऊपर रुआब, खेती पकी कराए दो गोनो आएगी लगू हर बाम, जो हरे हरे गेहूं खेतन में भये। तो नेता जी ने छोटे भैया को गोनो कराए दो। जब लड़की नवदुल्हन बन के घर में आई तो बने कहा देखो कि जेठ तो बगुला बने घूमते हैं, जे धानक रोपा कत कत करिया पारी है। गोने में आई तो डर के मारे ना बोली, आज गोने में हम कह चुके हैं तो गांव वाले के जब गोने में उठ चलान लगी, लेकिन चुपका कॉल हो रहा है, एक महीना की चौथी छिकी है, सो मारी भक्के मारे बिटरिया उठ चपन लगी, दैया ऐसे कैसे गुजारो है, हमारे जेठ तो कतई काम नहीं करते हैं, और हमारे पिया काम कत कत करिया पारी है, हमें कहूँ अकेले में मिल जाते तो हम समझा ही देती, अबू अकेले में काम मिल जाए भाई तो एक मिनट होगी फुर्सत न है के विदा दुल्हनिया घर में छोटे कना की आई है, दो चार दिना पेड़ो देखो सैया पे पड़ी तबाही है। दो चार दिन ना बोली जेठ आज ना काम करें, कल करें, कल ना करें परों करें, लेकिन जेठ काम के आ रहे। एक दिन किसान दोपहर में हर ढील लाओ और हल्कों दरवाजे पे धर के भीतर रोटी खाने गो, दो रोटी खा के निकलो, सोई गोने वाली दुल्हन आंगन में रबड़ी आके पहुंचा गए, ओ बुद्धू निक ठारे हो जा, क्या समझान लगी। तुम काम करो बे मौज करें, तेरी अकल कहां बोर आई है, मेरी नाय ने भेगी सादे में अपनों ले बांट कर आई है। एकदम छोटे ने भाग दो नेता के जग धाई है, मेरो आदो आदो बांट कर आए दो आज समझ में। गोने बारी दुल्हन बोली ये पिया मेरी बात सुनो, जेठ के कुर्ता में जरा भी धब्बा लग जाए तो रेनो सन्नाट घिसते घिसते परेशान, और तुम्हें छः छः महीना हो जाता हने भी कुत्ता मन दे में बदबू आने लगी, अलग हो जाओ। हाय जुआनो भाजो, नेताजी के पास पहुंचा कहने लगा नेताजी लखनऊ की टिकट जब खरीदो जब हमारा बांट कर दो। नेताजी कहने लगे कह रहे चारिये दिन गोनो भाई भाई और भन्ना लोगो, छोटा कहने लगा मैं कह रहा हूँ बांट कर दो। नेताजी कहने लगे अरे बेवकूफ, ये औरतें तो घर घर में फूट डालने वाली होती हैं, तू औरत के कहने पर बांट के लिए चलाया। छोटो कान लोग फोरजरी वाली बातें करो तो एक ही लठ में भट्टा सुमे लगी जाए, हम कहा तो बांट कर दे, तुम हमें नसीहत दे रहे हो। एकदम नेताजी कहने लगे तो मेरा कहा नहीं मानेगा, कहने लगा बिल्कुल नहीं, पैदा हुए जिस पेट से वो बिल्कुल छूट जाए, भाई और बाप में कुल नाता टूट जाए, हम तो औरत के गुलाम हैं बिल्कुल नहीं मलाल, परवाह एक यही एक रानी न रूठ जाए। एक बात बताओ, हमारा बांट मान लो पंचों की जरूरत है। छोटो कान लोग हम पंचन में विश्वास नहीं कराते, क्यों विश्वास जाकू नहीं कराते हैं, चार लठ को चौधरी और पांच लठ को पंच, जाके घर छह लठ हैं ताको अंचु न पंच, ताको तुम्हारी हमारी पंचायत करके बांट कर दो, जो तुम दे दियो सोई ले ली। भैया छोटा बिना पढ़ा लिखा था, मूर्ख मूर्ख था, थॉट ऑल मेंस वर्ट इंटेलिजेंट फर्स्ट इन मिड वेस्ट। मूर्ख और विद्वान में इतना फर्क होता है कि मूर्ख बाद में सोच पाता है, विद्वान पहले सोच लेता है। बंधु बिल्कुल मूर्ख था। तो नेताजी कहने लगे सुन, हम तुझे बांट में जो देंगे तुझे भाई लेना पड़ेगा, ऊधमबाजी की तुझे और तेरी लुगाई को मार के घर से बाहर कर देंगे। छोटू कान लगो हली दे बांट। तो अब नेताजी बांट करने लगे, देखो कहा दे रहे भोले भाई, तो जो 12 बीघा ईख खरी ताकि फूल कर रही तेरी भाई, जो 16 बीघा गेहूं है तक बाल रही मेरी भाई, 12 बीघा ईख की बारी तेरी गन्ना मेरो, 16 बीघा गेहूं की बारी मेरी भुत तेरो। छोटे ने कही हाली वो नहीं जानत कैसे बात हो रहो, एक भैंस में पीछे की लूंगा भुत दाना कुछ दूंगा नहीं,
दोहनिया को दूध हमाओ है तुम खातर करियो मुंह माई। भैंसिया की पिछाई हमारी अंगाई तुम्हारी चारो तुम डारो नींद डारो तुम दोहनिया को दूध हम ले छोटे के याली। अब रहे बचे कपड़ा बाटे दिन भारी धरियो अपने माई। जब हो ये शाम मेरे घरे धरो योड़ेगी तेरी भौजाई। दिन में कपड़ा तुम धरो संध्या को मेरे घर धर तो तुम्हारी भाभी ओढ़े। जा हुई बांट बाजी दा हो गोने वाली दुल्हन तो बोले ओरी बांटो या बांटो या। एकदम छोटे ने भाज दो दुल्हन को दिनो समझाई। बस समझ गई बेईमानी है जय नींद रात भर नहीं आई। बिटिया धीरे धीरे कहे बलम मोय बुद्धू मिल गए। छोरी धीरे धीरे कहे के सैया सिवरी मिल गए। मोरी धीरे धीरे कहे बलम मोय मोदू मिल गए। जो बात सुनो गोने वाली दुल्हन रात भर भाई नींद ना आई। रात आधी पे उठ बैठी और अपनी सैया की चारपाई के पास पहुंची। पिया जग जा मैं तुम्हें जगाए भी कहीं जग जा। अब घर रात लाए जवान कपड़ा मिले ना तो ओढ़े का तो जो धोती पहने तो सो यो ने घास उसी झकी डारी। पहले तो धीरे धीरे जगा रही जब ना जगो एकदम चीखी साधन उठ क्यों क्यों जगा दिया। कहने लगी जेठ ने बंटवारा ना करो बेईमानी करी सो कछु नींद में और रहे। बोलो पर जाए भैया को बंटवारो कन्यादान एक ही ना हो तो। औरत कहने लगी नहीं दीदे मीन के मेरी बात सुनो। फिर बने आंखें ऐसे हाँ कैसे बांट। औरत कहने लगी बारह बीघा ईख की बाली तुम्हें दे दई गन्ना जेठन ले लो गन्ना में तो रस ही कढ़ाते। कहने लगो री जय भूल हुई है जब भूलो सोलह बीघा गेहूं की। कहने लगो गेहूं बारी तो हमने सोच के ले क्यों कि एक बिलस्त की बाली तो बाली है तो बाई दई लंबो बारो सब हम ही ले लो। औरत कहने लगी बना गधातु हो गेहूं तो बाली में ही निकात तो। और भैंसिया की पिछाई ले ली जेठ ने अंगाई ले ली तुमने नींद डाते डाते तुम मर जाओ संजा को राण जेठानी दूध ले जाए। छोटू कान लगो जब मैंने सोची ना तो अंगाई ले चू ली तुमने। जब कान लगो हम तो अंगाई जा सो ले ली दिवाली आए घंटियां बाने तेलन तेल सींगन ते लगाए कितनी अच्छी लगे भैंस। औरत कान लगी बनाए बुद्धू और भैंस तो दूध को राखी जाते। और दिन में कपड़ा हम तुम धरो संजा को जेठो जेठानी ओढ़ के परे हम तुम दोनों बैठ के तपस्या करो। नेताजी का छोटा भाई बोला अब कुछ भी हो जाए हम दोबारा नेताजी से नहीं कहूंगा क्योंकि बड़े खरे सुभाए के कह रहे तो तुझे तेरी लुगाई को मार के घर से बाहर कर देंगे। औरत कहने लगी सैया मैं तुम्हें पहिया पड़ रही हूँ हम तुम्हें अकल बताएं तुम तापे चन जा। समझिए बहू के जो बने पक्के सेकंड हैंड खोपड़ी के ही बताओ अकल हम तुम्हें एक ऐसी अकल बताएं तुम्हें कबाऊ ना पड़े और बांट हो जाए सोई बने कलाई पकड़ ली। बताओ मेरी रानी वो कौन सी अकल है। तो चतुर औरत अपने बुद्धू बालम को समझाने लगी देखो औरत की खोपड़ी में इतना मसाला होना चाहिए तब गृहस्थी चल सकती है। क्या बोली सुनो कर चार मेहनती काट ले गेहूं की जड़ कटबाना। उखारी छोटी छोटी है और ऊपर की तुम्हारी है सो अभी तक कपटन लगो देखे गन्ना कांट हो जाए। और कच्चे गेहूं ठाड़े नीचे वालो हिस्सा तुम्हारे पर जड़ काटन लगो देखो उनको खलिहान कहां पे लग जाए। कर चार मेहनती काट ले गेहूं की जड़ कटबाना। कपड़ा भी दिन में तुम्हारे संजा को भेजे के धरे आना। जो कपड़ा मिले सो भीजा न दो भीजे भीजा धरे आओ देखे नकटियो नकटा का उड़े ले। मारो लठिया तुम मोह तोड़ो भैंस की खातर कर आनो। जो हमारी जेठानी भैंसिया दोहे को बैठे तो तुम मोह में रबड़िया की लाठी दे जो दूध दही फटा लेती चली जाए। मारो लठिया तुम मोह तोड़ो भैंस की खातर कर आना। सोई भाव काम कट रही ईख पे गेहूं पे न मरवाना। सबेर भाव जई होन लगो चार आदमी कहते उखारी में ऊपर कपटो आठ गंदे गेहूं में जड़ काटो जड़। नेताजी कहने लगे क्यों रे कमीना कहते क्यों काट रहा है। छोटो कान लगो मैं तेरी बारी से धकाऊ ना लगा। भजी दो जवान निहार में तो घर को और भौजी ले के दोहनिया भैंस के पेट के नीचे बैठी दो इनने कहा करो ओ कपड़ा भिजा दो पानी में ले लठा भैंस पौआ राना। जब भाव जड़ा को लठिया को भौजी को करे जो थराना। ऐसी लठिया दई भैंसिया की खोपड़ी में तो भौजी और दोहनिया भैंस के पेट के नीचे बिनोरे से बीनते फिर।
कहूं दूध डरो कहूं भौजाई तो बड़ो बहुत मन खिसियाना जो बड़ो समझ कोई चतुर लगो फिर बात दोबारा करवाना घेवकार तुम्हारी सो कबाऊ करे ना भैया